किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की जो बताती है कि बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पे सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पे दो बारातें ठहरी थी। अब मामला उनके समझ में नहीं आया, फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है, विवाह के लिए कन्या एक और दो बारातें आई हैं, अब मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो प्रभु बोले, हाँ एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारात आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए लड़के की है। अब यह सुनकर गरुड़ जी बोले कि आखिर विवाह किसके साथ होगा। प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचकर कौतूहलवश भगवान वहीं से देखने लगे कि अब ये गरुड़ जी क्या करेंगे। अब गरुण जी उस समय तो चुप हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अलग करके देखते हैं। वो पुनः उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ दोनों बारातें ठहरी थी। अब गरुण जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं, तो अब वो विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पे छोड़ दिया। अब ऐसा करके गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ गया कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पे जो ये भूखा ही मर जाएगा और यहाँ सारी बारात मजे से छप्पन भोग का आनंद लेंगे। अब ये कतई उचित नहीं है और इसका पाप अवश्य मुझे लगेगा। अब मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा कि देखूं कि विधि का विधान जरूरी है, कि इंसान यदि चाहे तो वो उस चीज को बदल सकता है। और ऐसा विचार करके वो वापस उस स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वो अपने हट पर अडिग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वरपच से लोग आए थे। अब माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छुपाकर भेजने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। अब माता ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाले समधी को सूचित भी कर दिया था। अब संयोग की बात देखे कि आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवे मिष्ठान से भरकर कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी उसे भरा देखकर उठा लाए और लेकर उड़कर उसी निर्जन टापू पर चले गए जहां पहले से उस वर को उठाकर लेकर आए थे और उस टोकरी को वहां वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जो ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह वो उस पर झपट पड़ा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा उसमें 16 श्रृंगार के वो युवती बैठी है जिससे उसका विवाह होना था। अब गरुण जी ये सब देख कर दंग रह गए। अब उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान है। कहा भी गया है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। अब गरुण जी को भी वास्तविकता समझ में आ गई कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। अब उन्होंने खुद ही पंडित का फर्ज निभाया, वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कराकर वर वधु को आशीर्वाद दिया और पुनः उनके घर पहुंचा दिया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृतांत बताया और प्रभु पर अधिकार समझ कर झुंझला कर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा ब्याह कार्य हम ही से करवा दिया। और उधर भगवान गरुड़ जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्का रहे थे।